आज की वीडियो में हम जानेंगे सिपजेयर शरबत जूफा सादा सिरप के बारे में। ब्रोंकाइल अस्थमा या कफ हो जाता है, ऐसी कंडीशन में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो चलिए सिपजेयर शरबत जूफा सादा के बारे में अच्छे से जान लेते हैं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सिपजेयर शरबत जूफा सादा ऐसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है जब किसी पर्सन को ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है, मतलब दमे वाली खांसी हो जाती है जिसकी वजह से लंग्स में सूजन आ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस नली सिकुड़ जाती है। ऐसी कंडीशन में सिपजेयर शरबत जूफा सादा बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये क्या करता है, लंग्स को रिलैक्स करता है, लंग्स को नॉर्मल कंडीशन में करता है जिससे खांसी में आराम देखने को मिलता है, और कफ वाली खांसी को भी सिपजेयर शरबत जूफा सादा आराम से ठीक करता है। किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है, खांसी की वजह से गले में चुभन, गले में दुखन, गले में सूजन आ जाती है, छाती में बलगम जम जाता है, ऐसी कंडीशन में भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये लंग्स में कफ को पतला करता है जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा और कफ वाली खांसी को ठीक करने में सिपजेयर शरबत जूफा सादा बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। और सिपजेयर शरबत जूफा सादा में कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया गया है जिसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट हो। इसमें केवल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं जो नेचुरली तरीके से ही काम करते हैं। और इसके अलावा किसी पर्सन को सर्दी की वजह से जुखाम हो जाता है, सर्दी लग जाती है, नाक बहने लगती है या फिर छींकें बहुत ज़्यादा आती है, ऐसी कंडीशन में भी शरबत जूफा सादा का बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और परचेज़ की बात की जाए तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक और मोबाइल नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपसी, फार्माइजी, 1MG, स्नैपडील, इस तरह से इंडिया के पोर्टल से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और इसकी डोज की बात की जाए तो आपने 25 ml गर्म पानी से इसे लेना है, फिर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अब भी आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप दिए गए कस्टमर केयर नंबर से भी बात कर सकते हैं।